दोस्तों, अब देश में कट्टरपंथी सोच वाले संघ या फिर कहीं आरएसएस के सोच वाले लोग देश का माहौल बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट रहे हैं। आरएसएस के सोच वाले लोग अब देश के दो टुकड़े करने पर काम करते हैं, जो देश के अलग अलग जगहों पर जाकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, जिसकी वजह से अब लोग मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक हिंदू बहुल कॉलोनी में, जहां पर सभी हिंदू रहते हैं, वहां पर एक व्यक्ति ने मुस्लिम व्यक्ति को अपनी जमीन बेच दी, जिसके बाद पूरी कॉलोनी ने वहां पर हंगामा कर दिया और पलायन की धमकी देना शुरू कर दिया। आप ये एबीपी न्यूज की खबर देख सकते हैं, जिसमें लिखा है, हिंदू कॉलोनी में किसी मुस्लिम को भाई ने बेचा घर तो दूसरा भाई पहुंचा फाड़े। दोस्तों, हालात यहां पर बद से बदतर हो गया, जब एक भाई मुस्लिम व्यक्ति को घर बेचने पर बवाल मचाने लगा और घर बेचने के चलते वो पुलिस के पास पहुंच गया और उसके बाद वहां के लोगों ने बोर्ड लगा दिया कि हम पलायन करने को मजबूर हैं। दोस्तों, ये अगर कहा जाए कि आरएसएस ने जिस तरह से ये सोच रखी है, वही सोच आज धीरे धीरे सभी हिंदू संगठन के लोगों के अंदर डाली जा रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हिंदू संगठन के लोग नए नए मुद्दे शुरू कर रहे हैं, जिसके वजह से इस तरह की खबरें अब आम होने लगी हैं। आप इस खबर को भी सुन सकते हैं, पहले आप इस खबर को सुनिए। एक मकान के सामने कुछ लोग हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है, हम पलायन को मजबूर हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे इन लोगों को किसी दोस्तों तो देखा आपने हिंदू संगठन के लोग किस तरह से आरएसएस के लोगों की सोच कैसे देश में फैल रही है। आप सोचिए कैसे ये संघियों ने इनके दिमाग में नफरत भर दी है, जिसके वजह से ये हिंदू संगठन के लोग ऐसी सोच रखने लगे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर एक मुस्लिम व्यक्ति वहां रहेगा तो उनकी सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाधा आएगी। दोस्तों, आप सोचिए आगे ऐसे ही देश में चलता रहा तो क्या मुस्लिम संगठन के लोग कहीं रह पाएंगे? कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों के धर्म को लेकर, पहनावे को लेकर, तो कहीं उनको ही लेकर बवाल लगातार मच रहा है। आखिरकार ये साफ बात है, ये देश सबका है, ये सिर्फ हिंदू संगठन का नहीं है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी रह सकते हैं तो हिंदू संगठन के लोग भी रह सकते हैं, लेकिन ये हिंदू संगठन का ऐसा विरोध करना निंदनीय है। दोस्तों, जहाँ सभी को समानता का अधिकार है, वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की जब बात आती है तो समानता का अधिकार कहाँ चला जाता है? तब उनके लिए कोई क्यों नहीं सोचता है? और इस पर सबसे बड़ा सवाल सरकार पर उठता है। सरकार जिसे इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, वही सरकार चुप है। मोदी जी देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, जहां सपने देख रहे हैं कि सर्वसमृद्ध भारत बनाएंगे, लेकिन क्या इस तरह से भारत को सर्वसमृद्ध बनाया जा सकता है जहां आपस में भाईचारा ही नहीं है? हिंदू संगठन के लोग लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, कहीं मस्जिद तो कहीं कुछ और फिर कैसे देश में शांति रह सकती है? क्या इस पर अभी भी मोदी जी को कुछ नहीं बोलना चाहिए? इस खबर में सिर्फ इतना ही। मैं इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहिए MIM News Express।